How are you? Today we are going to learn Hindi standard second. So students, आज हम देखने वाले हैं poem. इसमें जो आपको जो चित्र दिए गए हैं, उसमें हमें फर्क यानी अंतर बताना है. उसके बाद ऋतुए जो प्रतीक साकेत इन्होंने कविता लिखी है बहुत अच्छी, इसमें सभी ऋतु का वर्णन किया गया है. बाद में जो है हमारे त्योहार, यानी हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हमारे कौन से त्योहार हैं, हम कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है. तो चलिए देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 पे जो है हिंदी की किताब में दिया गया है परी चित्र निरीक्षण अंतर बताओ. हमें यहाँ पे अंतर बताना है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो परी का चित्र दिया है. यहाँ पे जो डिफरेंस है हमें डिफरेंस बताना है. जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉट दिए गए है, यहाँ पे है क्या, नहीं तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है एक लाइन ज़्यादा निकाली है, यहाँ पे कम है, तो इसे हम सर्कल करेंगे. जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट है, अलग है, वहाँ पे आपको सर्कल करना है. इधर डॉट देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डॉट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे सर्कल करेंगे हम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इस परी ने सॉक्स नहीं पहने, इसने सॉक्स पहने, तो यहाँ पे सर्कल करेंगे. यहाँ पे देखो बिल्ली दिख रही है हमें. ओके, तो यहाँ पे जो है, तो जो मछली दिख रही है यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे इसे हम सर्कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये डिफरेंस पहचानना है. यहाँ पे देखिए जो है बेल्ट यहाँ पे एक ज़्यादा दिया है, इसके ऊपर एक पट्टा ज़्यादा दिया है, इसलिए यहाँ पे हम सर्कल करेंगे. इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है पुनरावर्तन. तो ये आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है. जैसे खाने पीने की चीज़ों को चुनकर दूसरे घड़े पर लिखो, ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे अभी जो आपकी एग्जाम रहेगी उसमें, तो ये आपको ध्यानपूर्वक लिखना है स्टूडेंट. जैसे यहाँ पे गिलास है, कलम है, पंखा, लस्सी, जलेबी, बर्फी, पेंसिल, मक्खन, लड्डू और ढोलक है. तो यहाँ पे देखिए गिलास है, तो हमें यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ढूंढना है. जो गिलास तो नहीं है, कलम भी नहीं, पंखा नहीं, लस्सी है, तो यहाँ पे हम लस्सी लिखेंगे. लस्सी खाते हैं ना, पीते हैं. जलेबी, जलेबी खाते हैं हम. देन बर्फी, उसके बाद मक्खन और लड्डू. अभी दिवाली आ रही है तो मम्मी लड्डू बनाएगी ना घर पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है. नेक्स्ट, तारों में लिखे गए अक्षरों को मिलाकर नए नए शब्द बनाओ और बताओ. ध्यान रखें कि रंगीन तारों में दिया गया अक्षर सभी शब्दों में आए. यहाँ पे देखिए जो तारों में हमें शब्द दिए गए हैं, ये जो अक्षर है इसे नए शब्द बनाने हैं, बट उसमें ये जो है रंगीन, इसमें म आना चाहिए. जैसे यहाँ पे ड और म है, तो इससे क्या होता है, डमरू आपको लिखना है, डमरू. दूसरा है जो है यहाँ पे स म है, तो आप समय लिख सकते हैं. दूसरा र और म है, तो मगर. इधर क म है तो कमल. देन है म, और यहाँ पे से और म है, तो मुझे से लिख सकते हैं. बाद में यहाँ पे जो है म और रु दिया है. यहाँ पे देखिए से दिख रहा है, तो हम ऐसे कहेंगे हम म से. ओके, उसके बाद रु है, तो डमरू तैयार हो गया. समझा, र म ता क म ली, ऐसे आपको शब्द तैयार करना है. जैसे कि सम का क्या हो गया, यहाँ पे सम और म से बन गया समझा. ऐसे आपको ये लिखने हैं नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, फिर प्रश्न तीसरा दिया गया है. नीचे कुछ आदतें दी गई है, उनमें से तुम कौन से आदतें अपनाते हो, उनके सामने सही निशान लगाना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आदतों के नाम दिए है, तो उसमें से आप जो आदतें लगाते हो घर पे, आदतें अपनाते हो, वहाँ पे आपको टिक करना है. जैसे नाखून काटना, आप काटते हो तो यहाँ पे टिक करना है. बड़ों का सम्मान करना, तो आप सम्मान करते हो तो यहाँ पे टिक करना है. मित्रों से झगड़ना, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, मित्रों से नहीं झगड़ना चाहिए. हरी सब्जियों का सेवन करना, तो करते हो तो यहाँ पे टिक करना है. समय पर पाठशाला न आना, क्रॉस, ठीक है, क्योंकि समय पर पाठशाला आना चाहिए. देर तक सोना, ये भी रॉन्ग है. खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये सही है. आप अपनाते हो ना घर पे, हाथ धोते होगे, आपको यहाँ पे टिक करना है. खुली चीज़ें खाना, तो ये गलत है स्टूडेंट्स. झूठ बोलना, ये भी गलत है, ये नहीं अपनाना है. मीठे बोल बोलना है, सही है, तो यहाँ पे टिक करेंगे. ओके, इस तरह सॉल्व करना है.
शब्दों के अंताक्षर खेलो, जैसे गुड़िया, यहाँ पे लास्ट में या आय है, य अक्षर आया तो ऐसे यज्ञ, यहाँ ज्ञ आया लास्ट में इसलिए ज्ञानी हुआ, यहाँ पे न लास्ट में आया तो नल, ल लास्ट में आया तो लड़का, यहाँ पे क आया तो आप लिख सकते हो कमल, फिर से क्या आया लास्ट में ल आया तो आप लिख सकते हो लह सुन, यहाँ पे न आया लास्ट में तो आप लिख सकते हो नारियल, ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद का क्वेश्चन दिया है, घर से पाठशाला आते समय दिखाई देने वाली दुकानों के फलक पढ़ो और लिखो। तो आप जैसे घर से पाठशाला आते हो तो आपको जो भी दुकानें दिखाई देती है उनके नाम आपको लिखना है। 6 नंबर का है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पे तालिका बनाई है टेबल, तो जैसे यहाँ पे प्राणी हमें ढूंढ कर लिखना है, इसमें से वस्तु ढूंढ कर लिखना है और नाम ढूंढ कर लिखना है। तो जैसे कि पेंसिल, पेंसिल क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पे हम पेंसिल लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपको भी पेंसिल लिखना है। बाद में क्या है, मंथन, मंथन क्या होता है, नाम, तो यहाँ पे हम मंथन लिखेंगे, नाम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है बस्ता, तो बस्ता क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। बाद में क्या है हिरण, हिरण क्या है, प्राणी है, तो ऐसे आपको ये बनाना है, लिखना है। नेक्स्ट क्या है, खुशी, खुशी नाम है तो आपको नाम में खुशी लिखना है। खरगोश क्या है, प्राणी है, तो यहाँ पे लिखना है आपको प्राणी में खरगोश। चिड़िया क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पे चिड़िया लिखेंगे। कमला, ये लड़की का नाम है इसलिए नाम में लिखेंगे। जूता है, वस्तु है इसलिए वस्तु में लिखेंगे। भालू, ये प्राणी का नाम है, प्राणी है इसलिए हम प्राणी में लिखेंगे भालू। साइली, ये नाम है लड़की का इसलिए नाम में लिखेंगे। जिराफ क्या है, प्राणी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जिराफ। कुर्सी वस्तु है तो कुर्सी यहाँ पे लिखेंगे। कंचन नाम है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। शेर क्या है, प्राणी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप भी आपको पुनरावर्तन सिखाया है, आपको नोटबुक में सभी क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके फोटो सेंड करने हैं। उसके बाद है ऋतुएं, ठीक है, जो प्रतीक साकेत इन्होंने लिखी है। कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु बसंत जब आए, पेड़ पौधे फूल पत्तिया, मन को बहुत सुहाए। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज, देखो आँख दिखाए, कोई ठंडा शरबत पीता, डुबकी कोई लगाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए, कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए, शीतलता नब से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। ऋतु हेमंत की बेला के संग, मंद हवा ने ठंड बढ़ाई, स्वेटर पहनो टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गर्म रजाई। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया, तेज हवा ने तप झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इस कविता में ऋतु के बारे में बताया गया है, देखिए जब वसंत ऋतु आता है तब कोयल गीत गाती है, मधुर गाना गाती है, तब पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत सुहाते हैं, और तब पेड़ जो पौधे रहते हैं फूल पत्तियां लगती है, अच्छे फूल लगते हैं पेड़ों को और हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज, देखो आँख दिखाए, कोई ठंडा शरबत पीता, डुबकी कोई लगाए। जब ग्रीष्म ऋतु आता है यानी धूप का टाइम आता है, तब सूरज बहुत तपता है यानी जैसे हमें आग दिखा रहा, तब हम क्या करते हैं, जूस पीते हैं, बराबर है, या कोई पानी में नहाता है, डुबकी लगाता है। देखिए यहाँ पे वर्षा ऋतु जब आती है, ठीक है, बारिश का टाइम जो अभी चली गई है, वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए, कागज की जब नाव चले, बिटिया गदगद हो जाए। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जब भी बारिश आती है, वर्षा आती है, तो हम क्या करते हैं, छाता पकड़ते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि कागज की नाव क्या कर रही है, पानी में अभी तैर रही है, और ये जो बिटिया है क्या हो रही, उसको देखकर हंस रही है। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए, शीतल तानब से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। फिर शरद ऋतु आते हैं, जैसे अभी कोजागिरी आने वाली है, ओके, तो उस दिन का ये चांद कैसे होता है, पूरा होता है पूनम का चांद, तो बहुत अच्छा मुस्काता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शीतलता लगती है, जैसे कि नब से क्या हो रही है, शीतलता बरस रही है और हमारे मन की प्यास बुझा रही है।
बाद में देखिए ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाए, फिर हेमंत ऋतु आता है और क्या होती है ठंड बढ़ जाती है। स्वेटर पहनो टोपी पहनो सारे ओढ़ो गर्म रजाई, फिर हम क्या करते हैं ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो स्वेटर पहनते हैं टोपी पहनते हैं और गर्म रजाई ओढ़ लेते हैं। बाद में ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया पतझड़ आया, तेज हवा ने तब झकझोरा पेड़ों से पत्तों को झड़ाए। बाद में कौन सा ऋतु आता है शिशिर ऋतु आता है, उसमें क्या होते हैं जो पेड़ है पेड़ की पत्तियां सब जो है कि पतझड़ हो जाती है, झड़ जाती है निकल जाती है और बाद में नई जो है पत्तियां आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ऋतुओं में कौन से ऋतु है, यहाँ पे 6 ऋतु का वर्णन किया है, जो है बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो कविता है आपको नोटबुक में लिखनी है, ओके, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ होमवर्क में, तो आपको नोटबुक में सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। अब हम दूसरी का जो है पहला लेसन देखने वाले हमारे त्यौहार, जो 5 नंबर जो है 20 पे है। देखिए यहाँ पे दिवाली का हमें त्यौहार दिख रहा है, जैसे घर घर दीप जलाए प्रकाश का पर्व मनाए। आप सभी को पता है अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम क्या करते हैं घर में दीप जलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आकाश कंदील दिख रहा है ना, यहाँ पे लड्डू है इसके हाथ में और जो इनकी माता जी है बहुत सजी ढजी है और वो क्या दिए लगा रहे हैं। तो आप सभी को पता है हम नए नए क्या करते हैं उस दिन कपड़े पहनते हैं, दिए लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, ठीक है, और नमकीन जो पदार्थ बनाते हैं, तो दिवाली इस तरह हम मनाते हैं। बाद में शीर खुरमे का स्वाद ईद रहे सदा याद, जो शीर खुरमा होते हैं हम क्या करते हैं ईद के दिन क्या खाते हैं शीर खुरमा खाते हैं और ईद का यहाँ पे चांद भी आपको दिख रहा है, ओके। सांता आया उपहार लाया, यहाँ पे देखिए जो क्रिसमस है क्रिसमस में क्या होता है, ये जो सांता क्लॉज आता है यहाँ पे देखिए आप क्रिश्चियन लोग इस त्यौहार मनाते हैं तो उसमें क्या होता है केक भी काटते हैं, सांता क्या करते हैं छोटे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ओके। बाद में आया बैसाखी का त्यौहार घर घर भांगड़े की बहार, जो पंजाब में बैसाखी बहुत मनाते हैं वहाँ पे देखिए हर घर में क्या होता है भांगड़े की हमें आवाज़ सुनाई देती है, लोग क्या करते हैं नाचते हैं, बैसाखी का ये त्यौहार होता है। तो इस तरह से जो है कि हमारे त्यौहार दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने परी ऋतु ए पुनरावर्तन एक और हमारे त्यौहार देखे। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ सभी लेसन्स पे, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है नोटबुक में, साथ में किताब में भी सॉल्व कर उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।